लोगों को पता होगा कि माइनक्राफ्ट अकेला नहीं है। माइनक्राफ्ट के प्ले स्टोर पर काफी सारे रिलेटिव्स हैं, जिन्हें हम लोग माइनक्राफ्ट के कॉपी गेम्स भी कह सकते हैं। तो आज मैं आपको माइनक्राफ्ट के टॉप 5 कॉपी गेम्स को बताने वाला हूँ, जिन्हें आप लोग अपने एंड्रॉइड डिवाइस में डाउनलोड करके प्ले भी कर सकते हो। तो इन कॉपी गेम्स में से कुछ गेम माइनक्राफ्ट से थोड़े अलग होने वाले हैं, तो कुछ गेम माइनक्राफ्ट से भी बेटर होने वाले हैं। और इन गेम्स को डाउनलोड करने के लिए आपको करोड़ों लाइट ईयर्स दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की सुविधा के लिए इन गेम्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। ये बातें बताई नहीं जाती। और जो फर्स्ट नंबर पे गेम होने वाला है, उसे देखकर आपको जरूर से प्राउड होगा और अच्छा लगेगा। उससे पहले प्लीज भाई यार, इस वीडियो को एक लाइक कर देना और 2023 के एंड तक 1 मिलियन सब्सक्राइब करने हैं। सो प्लीज सो विदाउट एनी मोर वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। हमारी लिस्ट में जो 5th नंबर का गेम होने वाला है, उसे आप लोग माइनक्राफ्ट का छोटा भाई भी कह सकते हो। उस गेम का नाम होने वाला है मिनी क्राफ्ट। तो ये गेम भी माइनक्राफ्ट की तरह होने वाला है। इस गेम में माइनक्राफ्ट की तरह ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और इस गेम में माइनक्राफ्ट की तरह हम लोग कैरेक्टर की स्किन्स का यूज भी कर सकते हैं और इसकी इन्वेंट्री की सभी चीजें हमें माइनक्राफ्ट के जैसी देखने को मिल जाएंगी। और इस गेम के ग्राफिक्स हमें माइनक्राफ्ट से थोड़े से अलग देखने को मिलते हैं, बाकी ब्लॉक्स का स्टाइल बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसा है। और गाइस, ये गेम है माइनक्राफ्ट का भैया और यहाँ घूम रही है सफेद वाली गैया। चलो गाइस, गाय तो ठीक है, लेकिन ये पिग डायमंड का हेलमेट क्यों पहनकर घूम रहा है? और पिग को छोड़ो गाइस, इस गेम में चिकन की तो आंखें ही नहीं है। आखिर ये चिकन देख कैसे सकती है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग चाहो तो मिनी क्राफ्ट गेम को डाउनलोड कर सकते हो। हमारे 4th नंबर के गेम का नाम होने वाला है लोकी क्राफ्ट 7। तो ये गेम भी बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह होने वाला है और इस गेम में ऑप्शंस भी सारे माइनक्राफ्ट जैसे होने वाले हैं। अगर आप लोग इस गेम को खेलोगे तब आपको लगेगा कि आपने माइनक्राफ्ट में सेडर लगा रखा है, क्योंकि इस गेम की इन्वेंटरी, टेक्सचर्स, वाटर, ट्री सब कुछ माइनक्राफ्ट के जैसा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि डेवलपर ने इसका नाम लोकी क्राफ्ट ही क्यों रखा। मतलब आगे चल के नए गेम्स आएंगे तो उनके नाम क्या होंगे? वैसे गाइज, माइनक्राफ्ट के क्रैक वर्जन को खेलने से अच्छा है कि आप लोग इन गेम्स को अपने लो एंड डिवाइस में डाउनलोड करके खेल सकते हो। वैसे मुझे कमेंट में बताना कि आपके पास कौन सा मोबाइल फोन है। मेरे पास तो भाई आईफोन 99 प्रो मैक्स नहीं है, नोकिया 3310 है। तो अगर आप लोग चाहो तो इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। अब हमारे 3rd नंबर का गेम जो होने वाला है, वो आपको बिल्कुल ठंडा ठंडा और कूल कूल कर देगा। मगर क्यों? क्योंकि उस गेम का नाम होने वाला है आइस क्राफ्ट। तो इसमें भी आप लोग माइनक्राफ्ट की तरह क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग कर सकते हो, लेकिन इस गेम के कुछ फीचर्स माइनक्राफ्ट से बिल्कुल अलग होने वाले हैं। जैसे इस गेम में आपको कई सारी नई नई बायोम्स देखने को मिलेंगी, मतलब इस गेम में पहले से ही काफी सारे मोड डले हुए आते हैं। अगर इस गेम में कैमरा एंगल चेंज करना है तो आपको सिर्फ एक बटन दबाना है और इस काम को करने के लिए माइनक्राफ्ट में करोड़ों साल बीत जाते हैं। बात तो सही है। और इस गेम के इन्वेंटरी में आपको माइनक्राफ्ट से भी ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये फर्नीचर का सामान। और इस गेम का फर्नीचर वर्क भी करता है, जैसे आप लोग चेयर पर बैठ भी सकते हो। और इस गेम में आपको काफी सारे नए नए मॉब्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि अपनी तलवार को उठा उठा कर पटकते हैं। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। तो अगर आप लोग चाहो तो इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। अब हमारा 2nd नंबर का गेम थोड़ा रियल और माइनक्राफ्ट से थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो हमारे 2nd नंबर के गेम का नाम होने वाला है राफ्ट सर्वाइवल ओशियन। तो ये गेम माइनक्राफ्ट की कॉपी तो नहीं है, लेकिन इसने इंस्पिरेशन माइनक्राफ्ट से ही लिया है, क्योंकि माइनक्राफ्ट में हमें जंगल में अकेले सर्वाइव करना होता है और इस गेम में हमें ओशियन में अकेले सर्वाइव करना होता है। इस गेम की स्टोरी में आपका एरोप्लेन क्रैश हो जाता है और आप लोग ओशियन में गिर जाते हो। फिर आपको एक राफ्ट बनाकर उसमें सर्वाइव करना होता है और आप लोग समुद्र में बह रही लकड़ियों को लेकर अपनी राफ्ट को और भी ज्यादा बड़ा बना सकते हो। और इस गेम में अपनी राफ्ट पर आप लोग क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग भी कर सकते हो। और इस गेम में आप लोग अपनी राफ्ट से आइलैंड पर भी जा सकते हो। तो ये गेम भी रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट है, आप लोग चाहो तो इसे प्ले कर सकते हो। तो हमारी लिस्ट में जो 1st नंबर का गेम होने वाला है, उसे देखकर आपको प्राउड होगा और अच्छा लगेगा, माइनक्राफ्ट इंडिया। और इस गेम में वो सब कुछ है जो इंडिया में होता है। इस गेम में आपको इंडिया के स्ट्रीट फूड देखने को मिल जाएंगे, जैसे छोले भटूरे और समोसे। और आपको भारत का 7वां अजूबा ताजमहल देखने को मिलेगा और विलेजर्स आप लोगों से हिंदी में बात करेंगे। 25 दिन में पैसा मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ।
और इसमें आपको भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां भी देखने को मिल जाएंगी। जो लोग सब्सक्राइब ना करें उन्हें बवासीर होने का श्राप दे दो भगवान। और इस गेम में आप लोगों को काफी सारे इंडियन व्हीकल्स देखने को मिल जाएंगे। और इस माइनक्राफ्ट के नॉर्मल विलेज को इंडियन विलेज बनाने के लिए इसमें आपको एक ही चीज सुनाई देगी। और मुझे पता है एक सच्चे इंडियन को ये बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोग भी एक जिम्मेदार और सच्चे भारतवासी हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और इस गेम में आपको इंडियन करेंसी भी देखने को मिल जाएगी। और इस गेम में पैसों से भी ज्यादा जरूरी आपको इंडिया के वीर सोल्जर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि भारत किसान तिरंगा झंडा को लहरा रहे होंगे। तो यही थे वो गेम जो मुझे आपको बताने थे। आपको कौन सा गेम बेस्ट लगा और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूं।